माननीय सांसद यहाँ की और साथ ही साथ हमारे देश की बहुत यशस्वी नेत्री और कैबिनेट मंत्री हमारी सबकी बहुत प्रिय स्मृति ईरानी जी का न्योता था और इसलिए आज यहाँ पर मैं आई हूँ। और ये देखकर इतना संतोष और इतना आह्लाद मिला है कि हम लोग ने तो एक ऐसी छवि नेताओं की देखी है कि वे चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक जनपद विशेष का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष का, किंतु वहाँ पर टिक कर रहते नहीं हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने इन पुरानी सारी मान्यताओं को, धारणाओं को विध्वस्त किया, वो आप सभी जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नदी की धारा ही बदल दी। और ऐसे में उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इतना सुंदर यहाँ पर अपना घर बनाया, बिल्कुल बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच, लोगों के बीच, ये भी नहीं कि कहीं पर दूर जाकर बनाया हो, और पूरे प्रेम से उसमें सबको न्योता सुबह से, उसी प्रेम में हम भी खींचे चले आए। और आज उनका आह्वान था, मैं तो गाती हूँ तो मुझे मंच पे बुलाया तो मैंने गाया, और वे भी मूलतः कलाकार हैं तो उन्होंने साथ में शंखनाद किया तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं उन्हें हृदय से एक आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और अमेठी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र का विकास उसका जनप्रतिनिधि अच्छे से कर सके, इसीलिए जनता चुन करके लाती है। और मुझे लगता है स्मृति जी का प्रारब्ध अब अमेठी से जुड़ गया है, इसके लिए बधाई कि उनका ये घर उनके लिए फले और नित नया सफलता उनके लिए लेकर आए। धन्यवाद। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हमारी यशस्वी सांसद, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी जी का आज गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए हैं। और ये उनका जो संकल्प था, उन्होंने अमेठी की जनता से जो 2019 में वायदा किया था कि मुझे यहाँ के सांसद का जो पता है, एड्रेस है, वो दिल्ली का नहीं होगा, अमेठी का होगा, गौरीगंज का होगा, हमारे लिए, सबके लिए, असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए और अमेठी की जनता के लिए सौभाग्य का अवसर है। और हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना पता अमेठी का कर लिया है, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है। और निश्चित रूप से मैं पार्टी की ओर से और अपने कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहें और हमारे इस क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व करें। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है और जो हमारी पार्टी का, माननीय मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प के लिए अपना योगदान दें। 17 सीटों पे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, साल कांग्रेस को 17 सीट मिली है, कैसे देख रहे हैं गठबंधन को, किस तरह? अब ये गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये मौका प्रस्तों का, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है, जनता का गठबंधन मोदी जी से है और जनता का गठबंधन भाजपा से है। तो हम लोग जो अपेक्षा है हमारी जनता की, प्रदेश की, उसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। और जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बनाएंगे।